नमस्कार, सेना की स्वैच्छिक सेनावर्ती लेने वाले कर्नल अजय कोठियाल आम आदमी पार्टी के लिए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार बनाए गए हैं। जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने उनके नाम का ऐलान किया, कर्नल साहब काफ़ी भावुक नजर आए। उन्होंने सेना के अनुभव के साथ भविष्य की राजनीति की मंशा सबके सामने रखी। इसी सिलसिले में मंगलवार को अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुँचे। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान दो बड़ी घोषणाएँ की। उन्होंने ऐलान किया कि उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में आपसे कर्नल अजय कोठियाल सीएम पद का चेहरा होंगे। वहीं उन्होंने दूसरी घोषणा करते हुए कहा कि हम उत्तराखंड को देवभूमि कहते हैं। यहाँ इतने तीर्थ स्थान हैं, यहाँ कितनी देवी देवताओं का वास है। देश दुनिया से लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं, इसलिए हम उत्तराखंड को पूरी दुनिया के लिए हिंदुओं के आध्यात्मिक राजधानी बनाएंगे। बता दें कि 2022 के चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में सक्रियता बनाए हुए हैं। इससे पहले भी केजरीवाल और मनीष सिसोदिया देहरादून आ चुके हैं। पार्टी पहले ही सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। अब संगठन को बूथ स्तर पर मजबूत करने के लिए पार्टी काम कर रही है। बता दें कि इससे पहले 11 जुलाई को केजरीवाल ने देहरादून आकर ऊर्जा क्षेत्र में 300 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान कर बातों की गारंटी दी थी, जिसमें किसानों को मुफ्त बिजली, पुराने बिल माफ और 24 घंटे बिजली भी शामिल थी। वहीं कर्नल कोठियाल ने कहा है कि मैं शादीशुदा नहीं हूं, अगर मैं सेना में होता तो शायद ब्रिगेडियर बन गया होता। मुझे यहां इस नई तरह की राजनीति में मज़ा आ रहा है, मुझे फैल मत होने देना। आपको उत्तराखंड में विकास का मॉडल तैयार करने के लिए इंडियन आर्मी की शॉर्ट सर्विस कमीशन की तरह बस 6 माह का समय दीजिए। वैसे तो कर्नल कोठियाल 2 बार एवरेस्ट विजेता रह चुके हैं। उन्होंने एवरेस्ट अभियान का नेतृत्व किया। इसके अलावा केदारनाथ पुनर्निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाई। नंदा देवी राजजात 2014 का संचालन किया। सेना के कई अभियानों को अंजाम देने के साथ उन्होंने यूथ फाउंडेशन के जरिए युवाओं को जोड़ा। कर्नल अजय कोठियाल ने इसी साल जुलाई महीने में आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। पूर्व सीएम तीरथ सिंह रावत के गंगोत्री से उपचुनाव लड़ने की अटकलों के बीच आपने उनके मुकाबले कर्नल कोठियाल को उतारने का ऐलान कर दिया था। हालांकि उससे पहले ही तीरथ सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ गया था। अभी देखना यह है कि क्या कोठियाल ही उत्तराखंड में अपनी जगह बना पाएंगे या नहीं। उत्तराखंड की जनता क्या कोठियाल जी को मौका देगी या नहीं, ये तो वोटों की गिनती के बाद ही पता चलेगा। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।